ओके, वेलकम बैक गाइस। ठीक है, तो कल का लेक्चर में जो है हमने सेल का ओवरव्यू देख लिया था। ठीक है, सेल के ओवरव्यू में हमने सारे जितने भी जो सेल के ऑर्गेनिल्स थे वो हमने चेकआउट कर लिए थे कि कितने उसमें ऑर्गेनिल्स होते हैं। और फिर मैंने आपको बताया भी था कि सारे जो भी ऑर्गेनिल्स होंगे हम उनको जो है डिटेल्ड वाइज जो है हम उनकी जो भी नेसेसरी पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसी को हम कॉन्टिन्यूएशन में लेते हुए आज का जो हमारा है ना मेन जो ऑर्गेनेल है वो है हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, तो न्यूक्लियस जो है सबसे पहले जो है किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो है सबसे पहली बार जो है न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था और उसको नाम दिया था कैरियोन। ठीक है, और 1831 में जो है इसने इसे डिस्कवर किया था। ठीक, अच्छा, न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन्ड होता है, एक। दूसरा, ये कंट्रोल करता है सेल की मेटाबॉलिज्म को और जो उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि पास ऑन होनी होती है। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, तो हमने जाना था। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि जो हमारा सेल है ना, तो सेल के पास क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, तो जनरली जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होता है सेल के सेंटर में ही होता है, या जरूरी नहीं है वो इस तरफ भी प्रेजेंट हो सकता है, इस तरफ भी प्रेजेंट। अगर वो सेंटर के बजाय कहीं और प्रेजेंट है तो उसको हम कह देते हैं एसेंट्रिक न्यूक्लियस। ठीक है, उसको क्या कह देंगे हम? एसेंट्रिक न्यूक्लियस। डिपेंड भी करता है कि न्यूक्लियस जो है ना किस में प्रेजेंट है और किस में प्रेजेंट नहीं है। तो कल की वीडियो में जो है ना, जो कल का हमारा लेक्चर था सेल का ओवरव्यू, उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया था, बट फिर भी मैं यहाँ पे एक और बार बता देता हूँ कि जो मैच्योर्ड आरबीसी होते हैं, ठीक है, जो हमारे मैच्योर्ड आरबीसी होते हैं इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इन केस अगर किसी आरबीसी के पास न्यूक्लियस है तो इसका मतलब वो जो आरबीसी है उसका जो बनने का प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो रहा है। ठीक है, यानी कि शरीर में या ह्यूमन बॉडी में या बॉडी में मैमेलियन बॉडी में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो उसको हम किसी और दिन कहीं और आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैच्योर्ड आरबीसी में कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। वहीं पे जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं है ना, ऑस्टियोक्लास्ट सेल होते हैं इनके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसको अपने दिमाग में रख लें कि ऑस्टियोक्लास के पास जो है एक से ज्यादा सेल्स हो सकते हैं। वैसे ही कार्टिलेजेस जो सेल होते हैं, कार्टिलेजिनस जो सेल होते हैं उनके पास भी एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था कि किसके पास कितने न्यूक्लियस हो सकते हैं। ठीक है, किसने डिस्कवर किया ये भी हमने जान लिया। डबल मेम्ब्रेन्ड होता है, ठीक है, सेल की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, एक रेगुलेटर की तरह ही जो है काम करता है। ठीक है, तो देखते हैं आगे कैसे करता है। ठीक है, तो कंट्रोल सेंटर बोलते हैं हम इसे, या कंट्रोलिंग यूनिट कहते हैं। बहुत सारे जब आपने पढ़ा होगा अपनी बुक में तो कहीं कहीं पे जो है ये भी बोल दिया जाता है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो है वो सेल का हार्ट भी बोल देते हैं उसे किसी की। बहुत सारी कॉपियों में जो है या किताबों में जो है अलग अलग है, कोई हार्ट ऑफ द सेल कह देता है, कोई ब्रेन ऑफ द सेल कह देता है ना, डिपेंडिंग ऑन इट्स फंक्शन सॉरी। ठीक है, तो कंट्रोल सेंटर में जो है एक तो ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जितने भी हमारी बॉडी में है ना ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है न्यूक्लियस की कि कोई भी चीज जो है गड़बड़ ना हो। ठीक है, और अगर कहीं पे भी कोई भी गड़बड़ी होती है तो ये न्यूक्लियस जो है इतना समझदार है, क्योंकि ब्रेन है ना, जैसे आपका दिमाग आपको अच्छे से कंट्रोल करता है। ठीक है, वैसे ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल करता है सेल की मेटाबॉलिज्म को। ठीक है, उसे प्रॉपरली रेगुलेट करवाता है। ठीक है, ये तो था पहला कैसे कंट्रोल करता है। दूसरा है हमारा हेरिडिटरी, हेरिडिटरी फंक्शन, लाइक हमारे में जो जीन आए हैं है ना, जो हेरिडिटरी जो हमारे में कोई भी है ना, चाहे हमारी आईज हो है ना, नोज हो, ईयर हो है ना, जो भी हम जैसे हम दिख रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, पेरेंट टू डॉटर्स जनरेशन आ रही है ना, या तो कैसा आ रहा है, ये हेरिडिटरी के लिए आ रहा है। और इसको रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसके अंदर जो है डीएनए होता है, डीएनए के पास जीन होता है, उसको हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो मेन क्या है कि न्यूक्लियस के पास जो है हेरिडिटरी मटेरियल भी है,
जो कि जो है एक सेल से दूसरे सेल पे पास ऑन होगा। अगेन रोडोल्फ विर्चो की वही वाली थ्योरी है ना, कि जो है एक सेल से ही दूसरा सेल बनेगा। अब ऑब्वियसली बात है, जब एक सेल से दूसरा सेल बन रहा है तो इन्फॉर्मेशन भी जो है पास ऑन हो रही होगी। ठीक है, तो ये तो था क्यों हम इसे कंट्रोलिंग सेंटर कहते हैं या कंट्रोलिंग यूनिट कहते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा है इसके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो इसके जो मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये देखो डायग्राम में, ठीक है मैंने मार्क करा है, ठीक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, दूसरा है हमारा न्यूक्लियोप्लास्म। ठीक है, ये जो इसके अंदर है इसको न्यूक्लियोप्लास्म कहते हैं, जो फ्लूइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट होगा। तीसरा है हमारा न्यूक्लियोलस। ठीक है, चौथा है हमारा ये क्रोमेटिन, जो इसके अंदर जो है रन आउट कर रहे हैं ये सारे क्रोमेटिन। ठीक है, एक टफ है ना रफ नेटवर्क जो है इसके अंदर जो है क्रोमेटिन का प्रेजेंट होता है। यही सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है मिलके जो है इस न्यूक्लियस को बनाते हैं। बिना एक के भी इसका अपने में कोई वजूद नहीं है या कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, न्यूक्लियस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता अगर इनके पास ये भी एक भी इनमें से खत्म हो जाए। ठीक है, तो मतलब न्यूक्लियस के सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। ठीक है, तो अब जो है हम बारी बारी से जो है एक एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला जो हमारा स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या हम इसे न्यूक्लियर एनवलप भी कह देते हैं या कैरियोथेका भी कह देते हैं। ठीक है, तो देखो जो ये बाहर जो लेयर है, ठीक है ये दिख रही है ना, ये बाहर की जो लेयर है इसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह देते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ठीक है देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जब बात आई तो देखो डबल मेम्ब्रेन है तो इसके पास क्या है, एक आउटर लेयर है। देखो ये ओ से जो मैंने डिनोट किया है ये आउटर लेयर है। ठीक है, ये अंदर वाली जो है ये इनर लेयर है। ठीक है ना, अच्छा तो अब और जान लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने पहले ही बताया मैं बोर्ड पे बहुत कुछ नहीं लिख सकता हूं, तो जो जो मैं बोल रहा हूं आप उसे नोट डाउन करते रहना। ठीक है, देखो अब जो इनर लेयर है इसकी, ठीक है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जो हमारी इनर जो लेयर है ये इन कॉन्टेक्ट में रहती है। ठीक है, जो अंदर जो इसके प्रेजेंट है न्यूक्लियोप्लाज्म में, है ना न्यूक्लियोप्लाज्म में जो कंटेंट हमारे प्रेजेंट हैं ये इनर मेम्ब्रेन जो है इन सब के कॉन्टेक्ट में है। अब वो कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लियोलस हो सकता है, क्रोमेटिन फाइबर्स हो सकते हैं, या अंदर जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं, ये सेवरल टाइप ऑफ एंजाइम्स, ये अंदर वाली लेयर इन सब के कॉन्टेक्ट में है। ठीक है, वैसे ही जो आउटर मेम्ब्रेन है हमारी इस न्यूक्लियस की वो क्या करेगी, वो बाहर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसके साथ इंटरेक्ट करेगी या उसके टच में ज्यादा है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, स्पेस बिटवीन द टू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। देखो तो ये जो आउटर लेयर है और ये जो इनर लेयर है इसके बीच में ये जो स्पेस है ना इसको हम कह देते हैं क्या, इसको कह देते हैं हम यही पेरिन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है ना, अच्छा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का और क्या काम हुआ, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का और काम क्या है, ये सेपरेट करता है न्यूक्लियोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को, इन दोनों को क्या करता है, ये सेपरेट करता है। ठीक है, और सेपरेशन बनाए रखना भी जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म जो है आपस में ही मर्ज हो जा रहे हैं, नहीं, यूकैरियोटिक सेल में ऐसा कभी नहीं होगा। एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है और जो भी काम होगा वो सिस्टमैटिकली ही होगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, देखो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जो, ठीक है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दूसरी ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी, इनके बीच में जो है एक स्पेस क्रिएट हो जाता है जिसको कि हम पोर है ना, इसको हम कह देते हैं न्यूक्लियर पोर। मैंने लिखा होगा यहाँ पे, देखो ये देखो ये न्यूक्लियर पोर, ठीक है इसको हम न्यूक्लियर पोर कह देते हैं। अच्छा, इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 100 नैनोमीटर। ठीक है, अभी जो ये न्यूक्लियर पोर है ये एज अ चैनल काम करता है। ठीक है, एज अ चैनल काम करता है, मतलब चैनल का रेगुलेशन में पर, ऐसा नहीं है कि यार कोई भी आ रहा है ना अंदर घुस जा रहा है वो बोल रहा चल यार तू भी आ जा ये भी आ जा, नहीं ऐसा नहीं है, एक सेलेक्टिवनेस है। ठीक है,
तो सेलेक्टिवनेस में क्या है, जनरली जो है न्यूक्लियर जो पोर होते हैं ये लार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं इनको अलाउ नहीं करते हैं, इनको अलाउ नहीं करते हैं, ये अंदर नहीं आ सकते। लेकिन जो स्मॉल वाटर सॉल्यूबल्स होते हैं इट अलाउ इट, है ना, न्यूक्लियर पोर या चैनल्स जो होते हैं ये इसको अलाउ कर देते हैं कि भैया आप जो है अंदर आ सकते हैं और एक काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर लेमिना। अच्छा, न्यूक्लियर लेमिना का पूरा काम क्या है कि इस पूरा जो हमारा न्यूक्लियस है इसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। देखो हर किसी को जो है एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने की जिम्मेदारी होती है। ऐसे जैसे हमें अब चलते चलते ऐसे गिर थोड़ा जा रहे हैं, तो हमें किसने एक पूरा जो एक शेप दे रखा है, हमें दे रखा है हमारे स्केलेटन सिस्टम ने। ऐसे ही जो है इसके लिए इसका स्केलेटन सिस्टम कौन है, ये न्यूक्लियर लेमिना। ठीक है, अच्छा ये जो लेमिना है ये किससे बने हुए हैं, ये बने हैं तुम्हारे लेमिन्स से। और लेमिन्स क्या है, छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं। अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये कहां बनते हैं, देखो जो न्यूक्लियस को सपोर्ट कर रहा है या न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रख रहा है वो बन कहां रहा है, साइटोप्लाज्म में बन रहा है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में बनने के बाद ये फिर कहां ट्रांसपोर्ट हो जाता है, न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। अब जब ये न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ना, तो एकदम से ऐसे नहीं है कि जो ये लेमिना थे हमारे इनके साथ जाके बोल रहे चलो भैया हम आज से तुम्हारे साथ ही हो गए, नहीं, ये प्रोटीन पहले अंदर आएंगे, ये लेमिन्स जो है अंदर आएंगे, एक जगह पे पहले असेंबल्ड होंगे। असेंबल्ड होने के बाद जो है पहले इनको जांचा परखा जाएगा कि आप सही हो या नहीं हो, जो गलत होगा उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, है ना, दे विल बी किक्ड आउट। और जितने भी सही से लेमिन्स होंगे हमारे, उनको जो हमारा एग्जिस्टिंग जो हमारा न्यूक्लियर लेमिना होगा उसके साथ इनको जो है वहां पे असेंबल कर दिया जाएगा, और वो वहां पे जाके जो भी उनका है ना इस पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने का जो उनका एक रोल है वो वहां पे जाके जो है अपने रोल को, है ना, उस रोल को फुलफिल करेंगे। ठीक, तो इतना क्लियर है न्यूक्लियर लेमिना का, आई होप। ठीक, नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, तो मैंने पहले भी बताया था कि है ना जैसे हमने पढ़ा था, देखो सेल के ओवरव्यू में मैंने बताया था कि सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, ऐसे ही जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम कह देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो मैंने लिखा है यहां पर, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म का जो जनरल जो मेन फंक्शन है, देखो उसके पास होते हैं सेवरल एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि जो है हेल्प करते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वेरियस टाइप ऑफ, है ना, जो वहां पे प्रोसेसेस हैं ताकि जो मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो इजीली जो है काम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है न्यूक्लियोटाइड भी प्रेजेंट होते हैं, और इन न्यूक्लियोटाइड का काम क्या होता है, इन न्यूक्लियोटाइड का काम होता है कि फर्दर जो डीएनए बनेगा वहीं से जो है ना वहां जाके जो है अपना जो है हेल्प जो करेंगे न्यूक्लियोटाइड वहां पे कि चलो डीएनए जो है बन रहा है वहां पे जाके जो है अपने हेल्पिंग जो इनका काम होगा वहां पे जाके न्यूक्लियोटाइड जो है उन्हें हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, आई होप इतना जो है आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है या कंपोनेंट स्ट्रक्चर है वो है क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। ठीक है, तो इससे पहले हम जो है इसका जो मैंने बताया था, ठीक है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी हमारी, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, मैं एक पॉइंट बताना भूल गया था। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है कॉन्टिन्यूस भी रहती है विद दिस ईआर। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, और इसी के ऊपर जो है छोटे छोटे राइबोसोम्स जो है चिपके हुए रहते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी जो है इन्हें कह देते हैं। तो मैंने कल, याद करो कल के लेक्चर में मैंने जो है सेल के ओवरव्यू में जब मैंने बताया था कि जो हमारे ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो कॉन्टिन्यूस होते हैं विद न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो है एज अ कनेक्टिविटी का भी काम करता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हमारा क्रोमेटीन या क्रोमोसोम। ठीक है, तो न्यूक्लियस के पास क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो उसके पास प्रेजेंट है जो कि उसकी इंपॉर्टेंस को और बढ़ा देता है। ठीक है ना, न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस को और कौन बढ़ा देता है, ये जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि एक सेल से दूसरे सेल में जो पास ऑन होने वाली इंफॉर्मेशन है या जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, एक एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जाने वाली जो प्रॉपर्टीज हैं, है ना, हेरिडिटरिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी वहां जाएंगी।
ठीक है, तो इनमें कौन हेल्प आउट कर रहा है, ये जेनेटिक मटेरियल कर रहा है, एंड दिस जेनेटिक मटेरियल आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इतना क्लियर है। तो क्रोमेटिन जो है, ठीक है, देखो ये क्रोमेटिन जो है एक मैश लाइक नेटवर्क होता है इसके अंदर, देखो ये क्रोमेटिन है, भागते रहते हैं इधर से उधर, ये देखो ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन, और ये क्रोमेटिन से किससे मिलके बना होता है, डीएनए से मिलके बना होता है और हिस्टोन से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है ना, तो डीएनए क्या हो गया, ये हो गया आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और हिस्टोन क्या करता है, हिस्टोन जो है डीएनए के रैपिंग में जो है हेल्प आउट करता है। तो डीएनए पॉजिटिवली चार्ज होता है, और डीएनए जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, और हिस्टोन हमारा जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, जिस कारण से हिस्टोन जो है टाइटली बाउंड हो जाता है इस हिस्टोन के बाहर। ठीक है, तो इसमें याद क्या रखना है हमें, कि जो जेनेटिक मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ है ना क्रोमोसोम्स है ना, या क्रोमेटिन जिसके पास की डीएनए प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा कि पेरेंट्स से जो है डॉटर सेल में ट्रांसफर होगा, न्यूक्लियस जो है इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का जो मेन काम होता है वो होता है राइबोसोम्स को बनाना, और राइबोसोम का मेन काम क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस में। ठीक है, और ये लार्जेस्ट मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है जो कि न्यूक्लियोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है, इसमें यही जानने की जरूरत है हमें। और यहाँ पे जो है सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए व्हिच इज आल्सो जिसको कि हम कहते हैं राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस भी होता है, और ये आरआरएनए हेल्प करता है इन सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स है ना, राइबोसोम्स। तो यही वो राइबोसोम्स है, देखो जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो है बाहर चिपके रहते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इतना आई होप आपको अभी तक जो है इतना सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम, ठीक है, फंक्शन देखते हैं हम, फंक्शन क्या है। तो वैसे तो हम जो है सारे फंक्शन हमने जब अलग अलग स्ट्रक्चर कंपोनेंट पढ़े थे तो हमने देख लिए थे, लेकिन फिर भी एट अ ग्लांस जो है हम फंक्शन देख लेते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का जो इंपॉर्टेंट रोल है वो सिर्फ और सिर्फ जो है इसलिए क्योंकि अपने फंक्शन की वजह से उसके पास जो उसके फंक्शन है ना, फंक्शन का ही इंपॉर्टेंट रोल है न्यूक्लियस की, जो एक स्पेशलिटी समझ लो आप, कि न्यूक्लियस की जो एक स्पेशलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फंक्शन के कारण है। ठीक है ना, तो देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो है ये, इट कंट्रोल्स द सेलुलर फंक्शन। ठीक है, बहुत सारे सेलुलर फंक्शंस हैं जिनको ये कंट्रोल करता है, क्योंकि जो न्यूक्लियस है ये तरह तरह के प्रोटीन्स बनाता है ना, यही प्रोटीन जो है फर्दर एंजाइम्स का भी काम करते हैं, और यही एंजाइम्स जो है आगे जाके के जो है इन डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वहां पे अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो सेलुलर फंक्शन में ऐसे काम करते हैं। ठीक है ना, नाउ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन इससे पहले ही मैंने बता दिया था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये न्यूक्लियस के पास, और इनका मेन काम क्या होता है, जो एक जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं किसी पेरेंट्स से उसकी प्रोजेनी में, यानी कि जो डॉटर सेल्स हैं उनमें, ये वहां पे ट्रांसफर कर सके, तो क्रोमेटिन का मेन काम यहाँ पे आ जाता है। ठीक है ना, ये हो जाता है। एंड अगेन देखो, इट स्टोर हेरिडिटरी मटेरियल इन फॉर्म ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। तो इसके पास डीएनए होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए को भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि जो हेरिडिटरी मटेरियल है ना, इट गेट ट्रांसफर टू द डॉटर इन फॉर्म ऑफ डीएनए, है ना, जो जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो ऐसे ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियोलस है। तो न्यूक्लियोलस का काम क्या है, इसके पास जो है प्रोटीन्स स्टोर्ड होते हैं, और ये प्रोटीन्स जो है, ठीक है, ये प्रोटीन्स जो है अगेन कहां जाते हैं, बाहर जाते हैं साइटोप्लाज्म में, जो डिफरेंट टाइप की मेटाबॉलिक प्रोसेस है वहां पर अपना रोल प्ले करते हैं। नाउ अगेन आरएनए इन न्यूक्लियस। ठीक है, आरएनए जो है, ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हाँ, आरएनए जो है ना राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये यहां पे क्या है, राइबोसोम। नेक्स्ट इट इज द न्यूक्लियोलस जो है, दिस इज द स्टोरेज ऑफ प्रोटीन। पीछे आगे पे हमने पढ़ा था, ठीक है, कि उसके पास जो है आरआरएनए होता है जो कि है ना हेल्प करता है राइबोसोम के फॉर्मेशन में, और राइबोसोम अगेन हेल्प आउट करता है किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस में। नेक्स्ट इट इज द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, है ना, ये क्या करता है, आरएनए को प्रोटीन में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, मतलब आरएनए जो है ट्रांसक्राइब होकर क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, वेरियस टाइप ऑफ, है ना, जो आरएनए है ट्रांसक्राइब।
तरह तरह के प्रोटीन्स बनाएगा और ये प्रोटीन्स जो आगे जाके जो है डिजाइंड जो उनका लोकेशन होगा वहां पर जाके जो है अपना काम पूरा करेगा या अपना जो टारगेटेड रोल है उसको फुलफिल्ड करेगा। नेक्स्ट है हमारा सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म मैं स्टार्टिंग में कई बार में बता चुका हूँ, ठीक है, लाइक ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रैब्स साइकिल हो गई, ठीक है, जिनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो ये वहां पे भी जाके भी हेल्प आउट करता है। नेक्स्ट है हमारा सेलेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो मैंने बता दिया था कि जो हमारा न्यूक्लियर जो हमारा मेम्ब्रेन है इसके बीच में जो पोर्स होते हैं इट एक्ट्स एज अ चैनल, है ना, और चैनल की तरह क्योंकि ये काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं लार्ज जो मैंने बताया था प्रोटीन्स है जनरली इनको जो है अंदर नहीं आने देता है। ठीक है, लार्ज प्रोटीन्स के लिए एक तरीके का बैरियर है और जितने स्मॉल वाटर सॉल्युबल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जो है अलाउ करता है कि भैया आप अंदर आ जाओ, ऐसे नहीं है कि किसी को भी अंदर आने दिया, जैसे आप लोग भी है ना, आपको कोई देखते होंगे कि अच्छा ये आपका दोस्त है, आपको उसको अंदर आने के लिए इन है ना, अंदर आने के लिए कोई है ही नहीं जिसको आप जानते ही नहीं हो, तो दरवाजे पे जो है आप उसे हॉल्ट कर देते हैं या वहीं से बाहर जाने के लिए बोल देते हैं। ऐसे ही जो न्यूक्लियस जो है एज अ सेलेक्टिव होकर बड़ा काम करता है। ठीक है, तो आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए काम आई थी, और अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया, कहीं पे आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ डाउटफुल रह गया है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर।